ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आज लेक्चर नंबर 2 हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। पहला, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, शोज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। सेकेंड, किस टाइप ऑफ क्वांटिटी है चार्ज, स्केलर है या वेक्टर है, कैसा है चार्ज? स्केलर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है। चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? क्या चार सॉरी टाइप्स ऑफ चार्ज चार होते हैं, कौन कौन से? हाँ, सॉरी 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 कुछ और थे, सॉरी दो होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, चार और चार्ज के साथ एक टर्म होता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी, वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट बोलने का मतलब इनवेरिएंट, सेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता और उसके खुद के मोशन पे भी डिपेंड नहीं करता कि रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, इनवेरिएंट है। मैं एक दो चीज़ों के बारे में तुमसे पूछता हूँ कि ये इनवेरिएंट है कि नहीं, ये ज़रा बता देना। जैसे टाइम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा या वैरी कर सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? इनवेरिएंट इनवेरिएंट टाइम इनवेरिएंट पक्का? एक टर्म सुने हो, टाइम डायलेशन, ट्विन पैराडॉक्स, ऐसा कुछ सुने? सुने हाँ टाइम इनवेरिएंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कोई अगर फास्ट मूव करता है तो उसको जो टाइम दिखाई देता है वो अलग टाइम दिखाई देता है। ठीक है, और लेंथ जो होता है ना, टाइम और लेंथ, टाइम लेंथ मास, ये जो तीन चीजें होती हैं, टाइम लेंथ एंड मास, ये तीनों ही वेरिएंट होते हैं। लेंथ भी सुन के लगता है कि इनवेरिएंट होगा, बट ये भी वेरी करता है। सही है, टाइम लेंथ एंड मास, दिस थ्री आर नॉट इनवेरिएंट। टाइम लेंथ एंड मास, ये तीन इनवेरिएंट नहीं होते। लगता है होता होगा, बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ये इनवेरिएंट लोग समझते हैं, बट ये एक्चुअल में इनवेरिएंट नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट होता है। लास्ट क्लास में हमने मास के बारे में बात किया था ना कि मास इनवेरिएंट नहीं होता। आज दो और ऐड कर लेते हैं कि टाइम इनवेरिएंट नहीं होता, लेंथ इनवेरिएंट नहीं होता, मास इनवेरिएंट नहीं होता। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट मूव करता है तो उसको अलग अलग टाइम दिखाई देना शुरू करता है, लेंथ भी अलग अलग दिखाई देने शुरू होते हैं। टाइम बढ़ जाता है, लेंथ कम हो जाता है जब कोई बहुत फास्ट मूव करता है, तो उसके हिसाब से, उस ऑब्जर्वर के हिसाब से। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट नहीं है। वंशिका, मैं ये बता रहा हूँ, टाइम इनवेरिएंट नहीं है। टाइम डिफरेंट डिफरेंट फील होता है दो लोगों को। हेलो हेलो, हाँ बोलो अभिजीत, आप क्या समझाए? हम समझे नहीं क्योंकि हम बिजी थे थोड़ा किधर चैटिंग? हाँ थोड़ा से लाइफ प्रॉब्लम्स। अरे यार, फिर तो बहुत सीरियस बात है, हाँ सीरियस तो है बट गंभीर अभी मामला है। बहुत समझा दीजिए शॉर्ट में। हम लोग बात कर रहे थे चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज है। चार्ज एडिटिव लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो तो याद है। चार्ज स्केलर या वेक्टर है? अभी बताओ, चार्ज कैसा है, स्केलर या वेक्टर है? स्केलर चार्ज स्केलर है। अच्छा, लास्ट इनवेरिएंट की बात करते हैं। चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूविंग हो चाहे रेस्ट पे हो, कितना भी फास्ट मूव करे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग हो, रेस्ट पे हो, कुछ भी होगा, डिज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही।
फिर दिक्कत हो गया. इसका मतलब है कि डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन. चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. चार्ज इज इनवेरिएंट. बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था तीन चीजें जो इनवेरिएंट तुमको फील होता है कई बार, लेकिन वो एक्चुअल में इनवेरिएंट नहीं होता. बस तुम लोग से पूछ रहा था मैं, टाइम क्या होगा, इनवेरिएंट होगा कि नहीं होगा. टाइम फील होता है कि इनवेरिएंट है, बट रियलिटी में टाइम इनवेरिएंट नहीं होता. टाइम, लेंथ एंड मास, ये तीनों इनवेरिएंट नहीं होते हैं. ये एक नोट कर लो. ये पढ़ाया क्यों सर? क्यों मतलब, ये ऑब्जर्वेशन है. जब बहुत हाई स्पीड से जाएंगे तो फिर ये ऑब्जर्वेशन है कि टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता एट वेरी हाई स्पीड. वो पूरी एक अलग फील्ड ऑफ फिजिक्स है जहां पर बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं और टाइम वेरी करने लगता है. उसको क्या बोलते हैं, नाम सुना है कभी, आइंस्टाइन वाली जो मैकेनिक्स है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी. हाँ, रिलेटिविटी वाली जो मैकेनिक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो जहां रिलेटिविटी की स्टडी होती है. ठीक है, थ्योरी ऑफ वगैरह जहां काम आता है, तो वहां पर टाइम वेरी करना शुरू हो जाता है. वहाँ टाइम वेरी करता है, मास वेरी करता है, लेंथ वेरी करता है. वो बहुत अलग सी स्टोरी है. जब ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज पहुंच जाती है तब बहुत कुछ चेंज हो जाता है हमारी स्टडी में. लेकिन वहाँ पर भी क्या चेंज नहीं होता, वहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती. चार्ज इज इनवेरिएंट. क्लियर, अंडरस्टूड? ठीक है, तो यही बातें की थी. कुछ एक्स्ट्रा बात थी, इस पर ना भी फोकस करो तब भी चलेगा. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जानना जरूरी है कि चार्ज स्केलर है, इनवेरिएंट है, एंड इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी. अब देखते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. एक पॉइंट पढ़ा था हमने, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या समझा था हम लोगों ने? ऐसे बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज हमेशा क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज हमेशा फिक्स नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है एलिमेंट्री चार्ज. चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड. चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एक छोटा सा वैल्यू होता है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹. तो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है. कहने का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो सकता है चार्ज. अगला वैल्यू क्या पॉसिबल है इसका, अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो नेक्स्ट हो सकता है 2 times इसका वैल्यू. मतलब कि 2 times कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹. ये पॉसिबल है. अगला क्या पॉसिबल है, नेक्स्ट वैल्यू 1.6, 3.2, नेक्स्ट क्या पॉसिबल 4.8. तो 3 times करेंगे तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹⁹, ये भी पॉसिबल है. ये पॉसिबल वैल्यूज है. इसका कोई नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो तो अलाउड है, लेकिन अगर किसी ने ये कर दिया, किसी ने बोला 2 × 10⁻¹⁹, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? ये पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है इस नंबर का. 4.8 के बाद 6.4 हो गया ना? हाँ, 4.8 के बाद 6.4, बिल्कुल सही. ठीक है, 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, किसी ने पूछा पॉसिबल है कि नहीं, इट इज पॉसिबल. बट किसी ने बोला 2 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. चार्ज ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. वो हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में मिलता है. 3 × 10⁻¹⁹ कूलम पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यस या नो? 3 × 10⁻¹⁹ कूलम पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? नो लेके चले, मतलब 3.2 है तो इसको नो. 1.6 हो सकता है या फिर 3.2 हो सकता है, इनके बीच में नहीं हो सकता. 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, समझ आ गया?
बहुत जगह 1.602 लेता है तो उसमें हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली 1.602 मतलब एग्जैक्ट नंबर 1.602 है, बट तुम्हारे पर्पस के लिए तुम 1.6 के मल्टीपल्स ले सकते, ठीक है ना? ओके अगर वो स्पेशली थ्री डेसिमल प्लेस में जाएगा तो तुम 1.602 मान लेना, बट जनरली 1.6 से तुम्हारा काम हो जाएगा। देन तो मैं अगर एक वैल्यू पूछूंगा तो तुम बता, कंफर्म बता सकते हो कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? ये किए थे क्या हम लोग कल? हाँ कल क्लास में किए थे ऐसा क्वेश्चंस। hmm. तो कुछ लोग नहीं थे उस टाइम पे तो इसलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन बस रिवाइज करने के लिए, कर ले ट्राई। यस सब लोग बता पाएंगे? चलो एक क्वेश्चन है बताना कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। तो क्वेश्चन है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^-18। सो 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^-17। Not possible. Kali. Yeah. Not possible. Confirm. Question me. Not possible. Not possible. 3.2 32.5 अच्छा हाँ 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 तुम लोग क्वेश्चन सही लिखी हो ना, क्वेश्चन क्या बोले थे ना? 5.2 चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ही लिखना होता है और एन निकालने का ट्राई करना होता है कि एन जो है वो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यू का वैल्यू तो ये 5.2 × 10^-17। हिमांश भाई तुम सो जा, आज नींद नहीं आएगा उसको, उसका हालत हम ही देखे थे ना, पूरा चप्पल में खून कटोरी जैसा भरा हुआ है, मेरा हालत खराब। कटोरी जैसा? हाँ अरे पूरे चप्पल में से खून पानी की तरह भरा हुआ था। अच्छा अच्छा ये उल्टा काम करता है, जब जगना होता है तो सो रहा होता है, जब सोना होता है तो जग रहा है। रेस्ट करो हिमांश, दर्द से नींद आएगा नहीं, उससे अच्छा कहानी जैसे फ्लैशी देख लेते, क्या ही करेंगे। 10 का पावर यहाँ ऊपर बन जाएगा -17 + 19 +2 हो जाएगा पावर, और इधर क्या बन जाएगा कैंसिल होने के बाद? 3.25 मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या बन रहा है 10^2 32.5। अच्छा जी 10^2 का मतलब होता है 100, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 होगा ना, 325। इसका आंसर है 325, हमको लगा था। तो ये एक नेचुरल नंबर है यानी एक इंटीजर है तो इसलिए ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। हाँ भाई भाई अगर पॉइंट में आता तो मतलब नहीं पॉसिबल होता, लेकिन अभी फुल नंबर आ रहा है इंटीजर आ रहा है तो इसलिए पॉसिबल है। चार्जेस क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आ गया सबको? यस। कैसे चेक करते हैं? अंशिका समझ आया थोड़ा बहुत? यानी है अंशिका को समझ नहीं आया? अंशिका ऑडिबल है? मतलब तुम भाई बोल सकते हो इधर या सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो, जैसा बोलो। व्हाट्सएप पे? हाँ मेरे को भी आवाज आया। क्या तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, तुमको ये वाला समझ में आ जाएगा, आगे का पार्ट समझ में आ जाएगा, आगे का पार्ट इससे कनेक्टेड नहीं है। क्वांटाइज्ड वाला लास्ट क्लास में और एग्जाम्पल्स किए थे, उसको देख के आइडिया मिल जाएगा तुम, ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं।
सिर्फ क्वांटाइज्ड वाले पार्ट में अगर तुमको प्रॉब्लम है तो आगे क्लियर हो जाएगा, मतलब लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देख कर ना हुआ तो फिर पढ़ा देंगे। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी प्रोसेस के पहले जो टोटल चार्ज है और बाद में टोटल चार्ज है वो क्या होना चाहिए? वो सेम होना cool. सेम होना चाहिए। तो जिसका एग्जांपल तुमको बताते हैं, मान लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर और दूसरा स्फीयर है, स्फीयर का शेप समझ में आता है ना, स्फीयर इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल स्फीयर। एक स्फीयर पे चार्ज तुमको स्टार्टिंग में बताया 20 कूलम्ब और दूसरे स्फीयर पे चार्ज है 0 कूलम्ब, ऐसा मान लो। एक स्फीयर पे 20 कूलम्ब, एक स्फीयर पे 0 कूलम्ब, दोनों को कॉन्टच कर दिए, दोनों स्फीयर टच हो गया, कॉन्टैक्ट आ गया और दोनों कंडक्टर है, मतलब चार्ज कंडक्ट कर सकते हैं। दोनों जब टच हो जाएगा उसके बाद दोनों पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में क्या आना चाहिए दोनों पे चार्ज? दोनों पे 10-10 एक-एक आ जाएगा, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर 10-10 20 है ना, 20 10 वही ना, एक-एक बोल रहा है भाई पगला। 2 कूलम लगा, अगर एक हमको 2 कूलम सपोज करो, एक प्लस एक 2 होता फाइनल और स्टार्टिंग में था 20 कूलम, 20 प्लस 0 तो वो सेम नहीं हो पाता, तो मतलब वो चार्ज कंजर्व नहीं हो पाता। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि अगर चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है कहीं पे, टोटल सेम होना चाहिए कि जब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टाइम पे टोटल चार्ज 18 कूलम्ब गाइड कर दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो गायब हो सकता है, चार्ज चार्ज रहेगा वहां पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको। ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, this is called as conservation of charge. During redistribution of charge total charge remains same, starting का total charge बाद का total charge same रहता है। तो ये important होता है जब दो conducting body contact में आते हैं तो वहां पर ये चीज बहुत important होता है। एक 20 था एक 0 था, rearrange हो गया तो दोनों में 10-10 आ गया। अच्छा, अब और कुछ question करें, ऐसा guess कर सकते हो? हाँ। अब दो चार्ज बॉडीज हैं, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए तब ये बेटर काम करेगा। दोनों आइडेंटिकल है, शेप दोनों का आइडेंटिकल बनाने का कोशिश करते हैं, देखने में आइडेंटिकल लगे। ठीक है, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है मान लो 10 कूलम्स और दूसरे पे चार्ज है मान लो -2 कूलम्स। अब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ, अब क्या होगा? 4-4 कूलम्ब। वेरी गुड, तो टोटल पहले कितना था? टोटल 10 माइनस 2 8 था टोटल स्टार्टिंग में, वो कूलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या बन जाएगा? दोनों जब कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे उसके बाद दोनों पे आ जाएगा। ये तब होता है जब दोनों का ज्योमेट्री सेम हो, समझे नहीं, या कोई भी शेप होगा, ज्योमेट्री शेप होना बेटर है, मतलब सेम रहेगा तब तुम इस पे वर्क करोगे, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के बीच में। बाकी का केसेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा महीने चलता है, 15-20 दिन आराम से चलता है, तो बाकी केसेस बाद में पढ़ेंगे। अभी आइडेंटिकल के लिए स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, जब आइडेंटिकल कंडक्टर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक पे चार्ज है दूसरे पे चार्ज नहीं है या फिर दूसरे में कम चार्ज है, दोनों का रीअरेंज होने के बाद फाइनल कितना चार्ज मिलेगा, तो ये करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग का चार्ज फर्स्ट बॉडी पे जो है इनिशियल, सेकंड बॉडी पे जो इनिशियल चार्ज है दोनों को ऐड कर लो, और फाइनल में वो क्या होना चाहिए, फाइनल में इनिशियल जो वैल्यूज है चार्जेस के दोनों पे उनका सम और फाइनल में दोनों का सम वो सेम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा ही रहेगा, ये हमेशा वैलिड रहेगा चाहे शेप कैसा भी। अब दोनों का शेप क्योंकि आइडेंटिकल है
इस कारण से क्या होता है कि दोनों बाद में भी इक्वल इक्वल चार्ज होल्ड करना चाहेंगे, दोनों ऐसा ट्राई करेंगे कि इक्वल इक्वल चार्ज होल्ड किया जाए। अगर इक्वल इक्वल चार्ज होल्ड करेंगे हम लोग लिख सकते हैं कि बाद में अगर दोनों का सेम हो गया q प्लस क्यू टू क्यू, टू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइनल वाला टू क्यू है, स्टार्टिंग में क्या था 10 माइनस 2 यानी कि 8, q की वैल्यू कितनी आ गई दोनों के लास्ट में 4 कूलम बीच, दोनों पे 4 कूलम आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गया, फाइनल चार्ज दोनों पे 4 कूलम बीच। वो वापस समझाइए ना, तुम बता क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पता है? हाँ, दो बॉडी पे चार्ज था, दो आइडेंटिकल बॉडीज, दो आइडेंटिकल दोनों पे चार्ज था स्टार्टिंग में, एक पे 10 कूलम था, दूसरे पे कितना था -2, एक पे 10 था एक पे -2। अब बोले कि दोनों कांटेक्ट में आ गया, दोनों स्फीयर्स कांटेक्ट में आ गया, दोनों है कंडक्टर। जब कंडक्टर रहेगा तो क्या होना चाहेगा, चार्ज एक पे रहेगा क्या दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि दोनों में इक्वल इक्वल बनना चाहेगा। वो करने के टाइम टोटल 10 माइनस 2 8 था टोटल स्टार्टिंग में, तो वो दोनों पे हाफ हाफ बढ़ जाएगा, तो 8/2 मतलब 4 दोनों पे आ जाएगा। समझ गया, सबको समझ आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। मतलब हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट वाला केस स्पेशली हम लोग आइडेंटिकल में आइडेंटिकल रहेगा और इवन नंबर्स में रहेगा तो फिर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट रॉड में कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ऑड में देख लेना हाफ हाफ करके हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि वो ई से छोटा नहीं होना चाहिए, जो क्वांटाइजेशन वाला यूनिट है ना ई, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उससे छोटा, अदरवाइज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम, बाकी वैल्यू देन। कोई अगर ऐसा बोल देना कि एक पे था 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दूसरे पे कोई चार्ज नहीं था, एक पे 1 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ और बोले कि अब दोनों को कांटेक्ट में ले आए, इस पे 0 कूलम था, अब दोनों को तो नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि उसका आधा आधा तो नहीं जा सकता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा या तो इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, वो घूमते रहेगा दोनों के बीच में। लेकिन जब तो किसी एक पे 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, दूसरे पे 0 ही रहेगा, इसमें आधा आधा नहीं बढ़ सकता, इसे छोटा नहीं जा सकता चार्ज का, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ वो कनेक्टेड है, चार्ज इससे कम नहीं हो सकता कभी किसी बॉडी पे, इसके मल्टीपल में रहेगा हमेशा। जैसे चार्ज मिनिमम 1.6 × 10⁻¹⁹ ही हो सकता है ना, हाँ, उससे छोटा नहीं हो सकता, और इसके इंटीग्रल मल्टीपल में आ सकता है ना, इंटीग्रल में हो सकता है, इसका डबल, इसका तो अभी लोग 2 कूलम और 4 कूलम क्या देख के ले रहे थे, 2 कूलम और 4 कूलम बस बॉडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम, दूसरे बॉडी पॉसिबल 4 कूलम मान लो ऐसा, और अगर सर बस मान दोनों को, हाँ क्वेश्चन में है कि पहले से दिया हुआ है दोनों का चार्ज, अब दोनों को कांटेक्ट में लिया, अब बताओ कि क्वांटाइजेशन सबसे पॉसिबल है वो, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बता इसे पॉसिबल है, मान लो एक 2 कूलम का चार्ज एक 4 कूलम का चार्ज है, दोनों कांटेक्ट में आ गए, हां हां चार्ज दोनों पे इंडिविजुअली 10 कूलम, सॉरी एक 2 कूलम का एक 9 कूलम का, एक 2 एक 4 है, चेक 2 एक 4 है तो टोटल 6 हो जाएगा, और दो आइडेंटिकल बॉडी है तो 3 ईच हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है? यस, इस मेथड को हम लोग कह सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, इस मेथड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसी बॉडी को चार्ज करने का एक तरीका है बाय कंडक्शन। कैसे कर सकते हैं बाय कंडक्शन, किसी एक बॉडी पे ऑलरेडी चार्ज है, दूसरे पे चार्ज नहीं है, दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे तो कंडक्शन से वो चार्ज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन।
और यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना होता है चार्ज करने के टाइम पे, रूल का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे बेस्ड होगा दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी पे कुछ चार्ज है 30 कूलम, दूसरे वाले पे 0 कूलम, दोनों टच में आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, अगर आइडेंटिकल है तो एग्जैक्टली इक्वल, एक पे 15 कूलम दूसरे पे 15 कूलम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया सबको? अंशिका ये बार समझ में आया कि नहीं आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? अंशिका कंजर्वेशन क्लियर है? थोड़ा सा समझ आया? ओके ठीक है अंशिका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया है। और शांभवी तुम्हें क्लियर हो गया? यस सर। अमितेश? यस सर। तो बाकी लोग तो प्रेजेंट थे कल ये क्लास में भी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ भैया। अब अगला प्रॉपर्टी चार्ज का, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब आता है क्लोज क्लोज में तो कुछ खास प्रॉपर्टी शो करते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस वो क्या करेंगे आपस में, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ओके इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ना? अच्छी बात है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा आपस में? रिपेल करेगा। रिपेल को कैसे शो कर सकते हैं एरो के फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हैं तो? उल्टा यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर हमको एरो ड्रॉ करना है तो हम लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करेंगे या राइट की तरफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे? राइट। इस वाले पे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? लेफ्ट। ये दिखाता है कि रिपेल कर रहे हैं आपस में, ये रिपल्शन दिखाता है। सही बात है। अच्छा, और अगर एक नेगेटिव बॉडी है और दूसरा पॉजिटिव बॉडी है तब अट्रैक्ट। तो नेगेटिव वाले पे किधर शो करेंगे एरो, लेफ्ट में कि राइट में? राइट की तरफ। और पॉजिटिव वाले पे? लेफ्ट। तो हमेशा क्या होता है इसमें एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग दिखाने के लिए, जैसे ये बॉडीज का अगर नंबर देंगे ना, इसको मान लो अगर पार्टिकल नंबर 1 बोलते हैं पहले वाले चार्ज, दूसरे वाले चार्ज को अगर पार्टिकल नंबर 2 बोलते, एक सिंबल होता है हमारे पास, सिंबल कुछ ऐसा होता है फिजिक्स में यूज किया जाता है सिंबल, एफ वेक्टर देते हैं और उसके नीचे लिखते हैं 1, 2, F12 को रीड कैसे करेंगे? पहले कभी यूज किया F12 सिंबल रीड कैसे? इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, याद है शिवांश को? आप पढ़ाई याद नहीं, बस ये याद नहीं रहता कि गाड़ी धीरे चला, घुटना में चोट लगा, दिमाग में नहीं। ठीक है, थोड़ी है F12 है फोर्स ऑन 1/2, F21 क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, बिल्कुल सही। और मैं दो चीजें लिखूंगा न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो F12 की वैल्यू होगी और जो F21 की वैल्यू होगी, वैल्यू के बारे में क्या बता सकते हैं इनका मॉड, इनकी वैल्यू? न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला था? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो जो फोर्स 1/2 पे लगा रहा है, जो फोर्स 2/1 पे लगा रहा है, दोनों आपस में इक्वल होगा वैल्यू में और उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा इसलिए माइनस आ।
यहाँ तक लिखा हुआ सब कुछ समझ में आ चुका है? Yes, sir. Good. तो फिजिक्स इतना बुरा तो नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. Okay. अब थोड़ा बुरा लगना चाहिए, अब देखते हैं एक खास चीज देखते हैं जहां पे जनरली मिसकंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन वाले पॉइंट को पिक करेंगे। एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा कुछ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ये वन है ऑब्जेक्ट, ये टू है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने पार्टिकल नंबर वन पार्टिकल नंबर टू। अब हमने ऐसा देखा कि पार्टिकल वन ने पार्टिकल टू को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसके ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल टू पार्टिकल वन की तरफ ऑब्जर्व मतलब अट्रैक्ट हुआ, ये ऑब्जर्व किया। तो ये बताओ कि पार्टिकल टू का चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज ऑफ पार्टिकल टू किस टाइप का होगा, चार्ज ऑफ पार्टिकल टू किस टाइप का होगा? नेगेटिव। रुक जाओ पहले मुझे ऑप्शन देना, तो ऑप्शन के हिसाब से चार्ज ऑफ पार्टिकल टू किस टाइप का होगा। पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन जीरो चार्ज, चौथा ऑप्शन कैन बी नेगेटिव और जीरो। सोच समझ के बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन। इतना ही हुआ था कि टू वन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये ऑब्जर्व किया है कि जो वन और टू पार्टिकल था टू वन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और हमें वन के बारे में पता है कि वन पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर इतना ही बस दिया हुआ है तो जीरो चार्ज होगा, क्योंकि फिर वन भी तो टू की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था। अगर टू हो रहा होगा उसके बारे में हम लोग नहीं पता, हम लोग सिर्फ टू को नहीं एक सेकेंड, तो फिर जीरो चार्ज है तो फिर अट्रैक्ट कैसे होगा उसके तरफ? वन और टू जब भी होगा आपस में अट्रैक्ट होगा ही होगा, जब अगर टू वन की तरफ और वन टू की तरफ होगा ही, न्यूटन थर्ड लॉ है। ओके चाहे ना बताए, अगर दो ही पार्टिकल है तो जीरो चार्ज, तो जो सर नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट थोड़ी है, नेगेटिव ही होना चाहिए सर। नेगेटिव होना चाहिए कंफर्म? नहीं, क्योंकि जीरो अगर किसी पे चार्ज है तो अट्रैक्ट कैसे होगा किसी पे? हाँ सर नेगेटिव, सर नेगेटिव कंफर्म, नेगेटिव लॉक किया। हाँ सर इसका आंसर होगा कैन बी नेगेटिव और जीरो। जीरो होगा सर तो वो अट्रैक्ट कैसे होगा वो तुम लोग बताओ। कि अदिति क्या हो सकता है इसका रीजन, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है इसका? क्योंकि न्यूट्रल है तो चार्ज जीरो नहीं है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ नहीं, न्यूट्रल है चार्ज जीरो है ऐसा मान लिया, न्यूट्रल है चार्ज जीरो, सॉरी चार्ज जीरो है लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है ना, इसका ये मतलब। अभी तो हम पार्टिकल मान रहे हैं तो पार्टिकल के अंदर वो काम नहीं करेगा, किसी और में वो चीज काम करेगा। जो तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन वो किसी और चीज में काम, किसी और क्वेश्चन में काम, वो हम पूछने वाले थे आगे चल के। तुम बहुत अच्छा फ्यूचर देख लो, हम बहुत दूर का, तुम बहुत अच्छा सोचे हो, वो एक बहुत कॉन्सेप्ट है।